नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिला मरीजों को लिटाया जमीन पर, नरवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुविधाओं से है वंचित। ऑपरेशन के बाद महिला मरीजों को जमीन पर लिटाने का मामला आया सामने। नरवन केंद्र पर नसबंदी ऑपरेशन कराने पहुंची क्षेत्र की लगभग 109 महिलाओं ने कराया ऑपरेशन। विभाग ने महिलाओं के ऑपरेशन के बाद लगभग 2 दर्जन मरीजों को बेड दिए। एक बेड पर 2 मरीज दिखे गए, बाकी को जमीन पर लिटाया गया। 30 बेड वाले केंद्र पर 1 सैकड़ा महिलाओं के ऑपरेशन किए गए। सुबह 8 बजे पहुंची महिलाओं को ऑपरेशन कराने के लिए बार इंतजार करना पड़ा। वहीं मरीजों के परिजनों को कोई भी सुविधा नहीं मिली। साथ ही छोटे छोटे बच्चों को लेकर सर्दी में घूमते रहे परिजन। सर्दी से बचाव के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी। वहीं इस पूरे मामले पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एलजी शर्मा से बात की गई तो भड़क उठे और महिला मरीजों को जमीन पर लिटाने वाले मामले पर सफाई देते नजर आए। लेकिन मौका की सच्चाई को कैसे विभाग नकार सकता है? इस पूरे मामले की वरिष्ठ अधिकारी को जांच करानी चाहिए जिससे केंद्र पर मरीजों को सुविधाओं का लाभ मिल सके। मैं आपका पवन कुशवा। तो पवन कहाँ से आए हो यहाँ? अपन मंगरौनी से आए। तो यहाँ पे नरवर अस्पताल में किस लिए आए हो? ऑपरेशन कराने के लिए। किस चीज का? नसबंदी का। किसकी नसबंदी का? महिला का। अच्छा, आपकी पत्नी की नसबंदी? हाँ, का बच्चों की नसबंदी के लिए। हाँ। अच्छा, तो यहाँ कब से आए हो? हम आए 9 बजे से। तो 9 बजे से अभी 6:30 बज रहे हैं। ऑपरेशन हो गया? अभी नहीं हुआ है। तो कितना नंबर है आपका? हमारा नंबर है 74 नंबर। अल्लाह, 74 नंबर पे आप 74वें पेशेंट हो। हाँ। तो अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। तो इससे पहले यहाँ पे महिलाएं और भी हैं। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? अलकी। कहाँ से आई हो? किसको ऑपरेशन कराने आई थी आप? बहू का हो गया ऑपरेशन? कितने बजे आए थे सुबह? 6 बजे आ गए थे सुबह। ऑपरेशन कितने बजे हुआ? अभी हुआ है क्या? कितने बजे तक? 6 बजे अभी 6 बजे है। कितने बजे पहले हुआ? अभी हुआ है। तुम्हारे पेशेंट को नीचे लटाया गया ऊपर छत कहे पे लटाया है? नीचे नीचे धत्ती में। क्या? लखन। तो लखन कहाँ से आयो? लदाई। तो यहाँ पे किस लिए आयो? नरवर में ऑपरेशन कराने बहन का। अच्छा, बहन का ऑपरेशन कराने आए थे। काहे का? यही बच्चों वाला। अच्छा, तो यहाँ कब किस टाइम आई थी यहाँ नरवर में? 8 बजे सुबह। 8 बजे 8 बजे नंबर कितना था आपका? 72वां नंबर। आपकी बहन का नाम क्या है? वर्षा। वर्षा, वो अभी ऑपरेशन कितने बजे हुआ है? अभी जाना जाना 10 मिनट बजे 36 में। 36 शाम को 36 पे। और यहाँ पे ये जो नीचे लेटाल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। वो नीचे पड़ी है, है? नीचे पड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब बेड की या कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपने डॉक्टरों से कहा, किसी से कहा? यहाँ कहा, उसको करे कोई नहीं। ये परसों जो यहाँ पे नसबंदी का ऑपरेशन महिलाओं का किया गया है, तो उसमें यहाँ पे काफी जो है व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई थी। मरीजों को जो है ऑपरेशन के बाद में जमीन पर लिटाया गया है। नहीं, ये कहना गलत है। हमने लगभग 40 पलंग की व्यवस्था की है जिसमें हमारे 80 मरीजों का ऑपरेशन हो जाता है, और नीचे लिटाना गलत है। नहीं तो यहाँ पे मरीजों को ऑपरेशन के बाद में तुरंत नीचे लिटाया है और एक बेड पे 2-2 महिलाओं मरीजों को लिटाया। नहीं, 2-2 महिलाएं तो हो सकती हैं क्योंकि पलंग पे 2-2 महिलाएं तो आती हैं, लेकिन जमीन पे नहीं लिटाया। नहीं तो जमीन पे लिटाया, यहाँ हमने खुद आके देखा। ये आप गलत कह रहे हैं। अच्छा, मतलब हम गलत कह रहे हैं? तो आप सही कह रहे हैं। पहली बात तो आप यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, ऑपरेशन हुआ। मैं बैठक में गया था, तुरंत सभी समीक्षा बैठक थी। अच्छा, और यहाँ पे जो है 7:30 बजे तक शाम तक ऑपरेशन हुआ है, मरीजों को नाश्ता भी नहीं दिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मरीजों ऑपरेशन वाले मरीजों को कोई नाश्ता नहीं दिया जाता, खाली पेट ऑपरेशन किए जाते हैं क्योंकि उसमें वोमिटिंग की समस्या रहती है। नहीं, उनको इसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होली गेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन, और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।